सभी को सादर जय श्री राम। इस प्रकार से युद्ध चल ही रहा था कि सूर्यदेव अस्त हो गए तथा प्राणों का संहार करने वाली रात्रि का आगमन हो गया। दोनों पक्ष की युद्ध बड़े भयंकर थे तथा अपनी अपनी विजय चाहते थे, अतः उनके मध्य रात्रि युद्ध होने लगा। दोनों पक्ष के मध्य घनघोर युद्ध मच गया। मारो काटो शब्दों से समस्त समर भूमि गुंजायमान हो गई और रक्त की नदियां बहने लगी। घायल होकर कहराते हुए राक्षसों तथा शस्त्र से शत विशत हुए वानरों का आर्तनाद बड़ा भयंकर प्रतीत होने लगा। वानरों और राक्षसों का संहार करने वाली भयंकर रजनी काल रात्रि के समान समस्त प्राणियों के दुर्लभ्य हो गई थी। श्री रामचंद्र जी ने अग्नि ज्वाला के समान छह भयानक बाणों से निमिष मात्र में दुर्दश वीर यह शत्रु महापार्श महोदर महाकाय बृहदंड शुक और सारण को घायल कर दिया। वे छहों राक्षस श्री रामचंद्र जी के वाण समूहों से अपने मर्म स्थान में चोट खाने पर युद्ध छोड़कर भाग गए, इसलिए उनके प्राण बच गए और उनकी आयु शेष रह गई। राक्षस सेना की यह दुर्दशा देखकर रावण के पुत्र मेघनाथ के तन बदन में आग लग गई। उसने शीघ्र ही नाग बाणों की फांस बनाकर राम लक्ष्मण दोनों को उसमें बांध लिया। नाग फांस में बंधने पर दोनों भाई मूर्छित हो गए। श्री राम के मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरते ही मेघनाथ ने हर्षोन्मत होकर दसों दिशाओं को गुंजाने वाली गर्जना की। राक्षस सेना में फिर से नव जीवन आ गया और वह मेघनाथ की जय जयकार करती हुई बड़े उत्साह से वानर सेना पर टूट पड़ी। मेघनाथ उनके उत्साह को बढ़ाते हुए कह रहा था, जिनके कारण आज शोणित की सरिता बह रही है, वे दोनों भाई नागपाश के बंधे पृथ्वी पर मूर्छित पड़े हैं। अब देव नर किन्नर किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो इन्हें नापाश से मुक्त कर सके। अब युद्ध समाप्त हो गया है, लंकापति की विजय हुई। इस प्रकार विजय घोष करता हुआ मेघनाथ लंका को लौट गया। राम के मूर्छित हो जाने से संपूर्ण वानर सेना में शोक छा गया। सुग्रीव अंगद हनुमान जानवंत आदि सभी सेना अध्यक्ष दोनों भाइयों को घेर कर खड़े हो गए और इस विपत्ति से त्राण पाने का उपाय खोजने लगे। तभी विभीषण ने उन्हें धैर्य बताते हुए कहा, हे वीरो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह नागपाश इन दोनों भाइयों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ना ही वे मर सकते हैं, इसलिए तुम इनकी चिंता छोड़कर अपने अपने मोर्चों पर जाकर युद्ध करो। इन दोनों भाइयों को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। उधर जब रावण ने मेघनाथ के मुख से राम लक्ष्मण के नागपाश में बंधकर मूर्छित होने का समाचार सुना तो उसके हर्ष का पारावार न रहा। उसने सीता की रक्षा पर नियुक्त राक्षस नारियों को बुलाकर आदेश दिया, तुम लोग सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर युद्ध भूमि में ले जाओ और उन्हें ले जाकर राम लक्ष्मण को दिखाओ जो पृथ्वी पर मरे पड़े हैं। रावण की आज्ञा पाते ही राक्षस ने जानकी को विमान में चढ़ाकर युद्ध भूमि में ले गई, जहाँ राम लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े थे। सीता ने देखा राक्षस सेना जय जय नाद कर रही थी और वानर सेना शोक में डूबी हुई निराश खड़ी थी। दोनों भाइयों को इस प्रकार पृथ्वी पर पड़ा देखकर सीता के धैर्य का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। सीता को इस प्रकार विलाप करते देख त्रिजटा ने कहा, हे जानकी तुम व्यर्थ में विलाप करके जी छोटा मत करो। मेरा विश्वास है राम लक्ष्मण दोनों जीवित हैं, केवल वे मूर्छित हो गए हैं। यह देखो वानर सेना फिर युद्ध के लिए लौट रही है। सुग्रीव और विभीषण उनके चेतन होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरा अनुमान मिथ्या नहीं है, वे उठकर फिर युद्ध करेंगे और रावण का वध करके तुम्हें अवश्य ले जाएंगे। तुम धैर्य धारण करो। इस प्रकार सीता को समझा बुझाकर त्रिजटा सीता सहित विमान को पुनः अशोक वाटिका में ले आई। नागपाश में बंधे राम और लक्ष्मण काफी देर तक भूमि पर पड़े रहे, तभी अकस्मात जोर से आंधी चलने लगी। आकाश में घने बादल छाने लगे। इतने में ही आकाश मार्ग से विंता का पुत्र गरुड़ उड़ता हुआ आया।
उसने दोनों भाइयों के पास बैठकर उनके शरीर का स्पर्श किया। गरुड़ के स्पर्श करते ही समस्त नाग भयभीत होकर पृथ्वी में छिप गए। नागों के बंधन से मुक्त होने पर राम और लक्ष्मण ने अपने नेत्र खोले। उनके पीले पड़े हुए मुखमंडल पर नवीन आभा से चमकने लगे। चेतन होकर राम ने गरुड़ को धन्यवाद देते हुए कहा, हे वेंकटेश, तुम्हारे अनुग्रह से हम दोनों भाई इस बंधन से मुक्त हुए हैं। हम तुम्हारा कैसे आभार प्रदर्शन कर सकते हैं? राम की विनम्र वाणी सुनकर गरुड़ ने उत्तर दिया, हे राघव, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। वन में विचरण करते हुए मैंने सुना था कि मेघनाथ ने तुम्हें इस नागपाश में बांध लिया है, जिसे देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व कोई भी नहीं खोल सकते। इसलिए मैं मित्र धर्म के नाते यहाँ आ पहुँचा और मैंने तुम्हें नागपाश से मुक्त करा दिया। भविष्य में अधिक सतर्क रहकर युद्ध करना, क्योंकि ये राक्षस बड़े कपटी और मायावी हैं। इतना कहकर गरुण ने उनसे विदा ली। राम और लक्ष्मण को पूर्णतः स्वस्थ पाकर वानर सेना के आनंद का पारा करना रहा। वे रघुवीर की जय जयकार करके बाजे नगाड़े रणभेरी आदि बजाकर राक्षसों को भयभीत करने लगे। साथियों, अगले प्रसंग में फिर मिलते हैं। जय जय श्री राम।